मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनते ही जहां परिजनों में मातम छा गया था, वहीं उसके समर्थकों में रोष व्याप्त था। बीती रात गुस्साए लोगों ने नारेबाजी भी की थी, तब पुलिस ने परिजनों के साथ मिलकर लोगों को शांत कराया। शुक्रवार की सुबह मुख्तार के घर के साथ सड़कों पर भी सन्नाटा दिखा। बताया जा रहा है कि मुख्तार की मौत की खबर सुनते ही अफजल अंसारी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इस कारण वे बांदा नहीं जा पाए। वहीं अन्य परिजन बांदा स्थित रानी दुर्गावती अस्पताल चले गए। अफजल के मकान में भी सन्नाटा दिखा। उनके कमरे में मुख्तार के कई चित्र लगे हुए थे। देर रात्रि में न्यूज फ्लैश हुई है, तभी से पूरा जिला प्रशासन चौकसी बढ़ते हुए है। रात से ही हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और इस संबंध में क्योंकि परिवार से भी लगातार संपर्क में है और अभी तक परिवार भी पूरा सहयोग कर रहा है और आज पूरे दिन भी अभी भी हमारी पूरी फोर्स लगी हुई है और अभी एटा जो बांदा है जहां पीएम हो रहा है ये जानकारी मिली है कि पीएम अभी चल रहा है तो उम्मीद है कि देर रात्रि तक ही यहां पर शव आ पाएगा और परिजनों का ये कहना है कि जैसे ही आएगा वो लोग तैयार हैं, जैसे ही सुबह अपना नमाज होगी उसके बाद उसका जो भी रीति रिवाज है उससे वो दफनाया जाएगा। जहाँ तक दुकान का प्रश्न है, पूरा गाजीपुर शहर नॉर्मल है, सैदपुर जमनिया जो बड़े बड़े कस्बे हैं वो भी नॉर्मल हैं। यूसुफपुर में जहाँ आवास है इनका सांसद जी का, उसके आसपास की कुछ दुकानें क्योंकि वहाँ इनका भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो वहाँ पे कुछ दुकानें उन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए जो लोगों ने बताया है वो बंद रखी हैं। बाकी जनजीवन सामान्य है पूरे शहर में, पूरे जनपद में, और सभी लोग अपनी एक्टिविटी सामान्य रूप से कर रहे हैं। हम भी जनता से यही अपील है क्योंकि संकरी गली है और जो परिजन कह रहे हैं उनका ये कहना है कि थोड़ी बहुत देर वो इस पर निर्भर करेगा कि वो सब किस समय आता है। सब आने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे लोग आए और अपनी संवेदना व्यक्त करें, उसके लिए जो परिजन हैं वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि आने के बाद जितना जल्दी हो उसका अंतिम संस्कार किया जाए क्योंकि गलियां हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत लोग भीड़ संभावित है, उसके लिए हम लोगों के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।